IPS BP अशोक ने देश के मौजूदा हालात से तंग आकर दिया इस्तीफा। SC ST एक्ट के संशोधन को लेकर मोदी सरकार के इस फैसले से पूरा बहुजन समाज आहत हो गया है। मोदी सरकार बहुजनों से उनका हक छीनने में लगी हुई है, जिसके जवाब में बहुजनों ने भी अपना गुस्सा दिखाया है और भारत बंद की मुहिम शुरू कर दी है। और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच यूपी के ASP ने देश के इस मौजूदा हालात से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक BP अशोक उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात थे। ASP BP अशोक ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को भेजे अपने पत्र में कुल 7 मांगों का जिक्र किया है। ASP BP अशोक के इस्तीफा देने से पहले SM न्यूज के साथ उनकी खास बातचीत में कहा था, इसका प्रतिपल है देश के अंदर सामाजिक न्याय को पूरी तरह से स्वीकार किया जाए। देश के अंदर बहुत जगह अत्याचार होते हैं, खासतौर से जाति की वजह से, और जाति के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के संबंध में आरक्षण का विरोध बहुत होता है, लेकिन जाति के खिलाफ कानून नहीं बना है। और देश के अंदर लॉयल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे पूरे दुनिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या है, उसी के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या भी देश के अंदर बढ़ाई जानी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे बिंदु लेकर के मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें पूरे देश के लोग बाग और बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत से मिनिस्टर शामिल थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा था कि बिना जाति को ख़त्म किए हुए देश के अंदर राष्ट्रवाद की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लोगों को राष्ट्रवादी बनाने के लिए आवश्यक है कि लोगों को जाति के खिलाफ काम किया जाए, जाति के खिलाफ कानून बनाया जाए, क्योंकि जाति से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है। और जाति के आधार पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो रहते हैं उसी घर के अंदर, उसी मोहल्ले के अंदर एक दूसरे के घर जला देते हैं, एक दूसरे के का नुकसान कर देते हैं, एक ही बैच के लोग बाग आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मित्रता अच्छी नहीं होती। निश्चित रूप से जब मोहल्ले के अंदर एकता नहीं होगी और शहर के अंदर एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की एकता भी फर्क पड़ता है। वो संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार से अपील करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपनी कुछ और मांगों का भी जिक्र किया था, जिसमें उनका कहना था कि जाति के खिलाफ स्पष्ट कानून बनाने चाहिए। बीपी अशोक का कहना है कि या तो सरकार उनकी मांग मान ले या उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले। बीपी अशोक का कहना है कि देश में संविधान को लेकर जैसे हालात बन रहे हैं उनसे उन्हें काफी दुख हुआ है, इसीलिए वो अपने जीवन से जुड़ा ये कठोर निर्णय ले रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस द्वारा बीपी अशोक के इस्तीफे को स्वीकार करने की कोई खबर नहीं आई है। आपको बता दें कि SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के विरोध में सोमवार सुबह 2 अप्रैल को बहुजन संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इस प्रदर्शन पर कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं भी हुई थी। सवाल यह है कि जब कोई IPS अधिकारी मौजूदा हालात से तंग आकर इस्तीफा देता है तो यह सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट।